हकीम साहब, मैं अगर बात करूं हार्ट पेशेंट को लेके, तो हार्ट पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कभी भी हार्ट अटैक पड़ जाता है, और एक बार हार्ट अटैक पड़ना, शायद दोबारा हार्ट अटैक पड़ना, तीसरा तो वो झेल ही नहीं सकता है। तो ये जो हार्ट की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो कारण क्या है इसके? देखिए, वही जो मैं बार बार बताता हूँ कि 40-45 के बाद हमारा दिल ऐसा हो जाता है कि इसको गाढ़ा खून मिलने लगता है, और गाढ़ा खून मिलने की वजह है हमारी एज। इस उम्र में जो भी दाखिल होता है उसका कुदरती तौर पर खून गाढ़ा होने लगता है और खून में चर्बी ज़्यादा होने लगती है। जो लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं उनको कभी भी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर या ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। और जिसकी भी उम्र 40-45 से ज़्यादा है, मैं हर किसी से अनुरोध करता हूँ कि अपना ख्याल रखना शुरू कर दें और खून को पतला करने के लिए कुछ ना कुछ किया करें। कुछ ना कुछ, एक तो ये कि चर्बी का सेवन कम करें। अब इस उम्र के बाद हमें चर्बी या चर्बी का दूध या घी, देसी घी या फिर मक्खन लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन नुकसान देने लगता है। ग्रोथ वाली उम्र 30 से पहले पहले ये सब लिया करें, खूब जितना आपको फ़ायदा होगा। अब ये नुकसान करने लगते हैं। हमारे गाँवों में, शहरों में है कि जलन हो गई, जलन हो गई, दिल घबरा रहा है, दूध पिला दो। अब दूध पिलाएंगे तो और जलन हो जाएगी, लेकिन आदमी ठंडा दूध पिला, ठंडा दूध तो और भी नुकसान देगा। तो कुछ ऐसा लिया करें जिससे खून पतला हुआ करे। लहसुन एक अच्छी एक घरेलू चीज़ है जी जो कसरत से खाने से हमारा खून पतला होता है। बिल्कुल हकीम साहब, इसके साथ ही ये छोटी सी बात भी जानना चाहूंगी, क्या दिल भी हमारा बड़ा होता है? ये भी एक बीमारी है? हाँ, दिल का बड़ा होना अलग बात है। जी हमारा दिल और लीवर बढ़ जाता है, और ये जब हम एंटीबायोटिक या ऐसी दवाइयाँ जो कीटाणुनाशक और बहुत तेज़ किस्म की दवाइयाँ लगातार खाते हैं, तो जी उससे हमारे दिल पर भी असर आता है और वो बढ़ जाता है। हमारे दिल में एक ही रोग होता है ज़्यादातर, के दिल के जो रगे हैं, नसें हैं, उसमें चर्बी भरने लगती है, और ये 45 साल के बाद काम शुरू हो जाता है। अब उसको अटैक कब आएगा, बीमार कब होगा, उसको एहसास कब होगा, ये जब परेशानी होती है, जब आदमी भागा भाग रातों रात, मालूम हुआ अटैक आ गया। तो बड़ी उम्र वाले लोग, यानी 45 से ज़्यादा की उम्र वाले लोग, अपना बहुत ख्याल रखा करें अगर सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए तो। अगले कॉलर हैं बिहार से, कोमल कुमारी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। मुझे वो गुरुजी से बात करनी थी। सवाल बताइए जी, मैं सुन रहा हूँ, जी। बताइए। एक्चुअली हमारी मदर को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। जी हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। कोमल कुमारी जी, आप पूरी बात करिए। जी, नमस्ते गुरु जी। जय हिंद। जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम एक्चुअली है आपकी माता जी को, आगे बोलिए। जी, उनको मतलब बहुत हाथ में बाजू उनका नहीं उठता है, दर्द रहता है, गठिया का प्रॉब्लम है, और पैर में भी, कमर में भी, जांग में भी, तो बहुत ज्यादा पेन होता है उनको। अभी अभी मैं आपके ही मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर से बात की थी, तो उनसे मैं मंगवाई थी वो दवा, कौन सी? गोन्थिया मंगवाई हूँ, तो वो बोले कि एक हफ्ता में आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक है। तो गुरु जी, आप मुझे दवा कोई ऐसा बताइए जिससे मतलब मम्मी जी का पूरा जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। अब बेटा, ये गौन से आप ले लें, सही दवा उन्होंने इंतखाब किया है आपकी मम्मी के लिए। ये रॉ मटेरियल है, कड़वा बहुत है, इसको पाउडर बना लेना, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से इनको दे सकते हैं। दिन में 2 बार नाश्ते
नाश्ते और रात के खाने के बाद, आधा ग्राम से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए कोई बात नहीं। और ये 100-200 ग्राम जो भी आपने लिया होगा, ये ख़त्म होने से पहले आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। लेकिन एक दो बातों का ख्याल रखना, घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, ऐसा कुर्सी वाला उनके लिए, और बहुत काम ना करें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं बाड़मेर से, विनीत कुमार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी विनीत जी। हाँ, मैं क्या है कि मेरे को कब्ज़ी होती है। कब्ज़ होती है आपको? कब्ज़ी होती है, मतलब लैट्रिन साफ नहीं लगता है। उम्र क्या है आपकी? उम्र है अपने 35 साल। ठीक है। हाँ देखिए, अभी से इसका ख्याल कर लीजिए, और बड़ा आसान नुस्खा भी है, आप बना लें तो। सौंफ लेनी है, धनिया लेना है, और आंवला सूखा मिलता है वो लेना है, और मेथी दाना, ये सब 200-200 ग्राम खरीद लें। और नमक कलौंजी आता है, एक रसायन आता है कलौंजी का, रसायन नमक जैसा ही दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता, ये 150 ग्राम लेके इसमें पाउडर बना के मिला लें, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाया करें, खाने से पहले खाना बेहतर है, बस काफ़ी है। आप इसे रोज़ लिया करें, आपका पूरे पेट के सिस्टम पर काम करती है ये, और आपका कब्ज़ ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं बिहार से, सुशील कुमार मंडल जी, स्वागत है आपका। जी जी, बताइए, प्रश्न करिए। तो हम डायबिटीज पेशेंट हैं सर, डायबिटीज है ना, 250 से नहीं घट रहा है। जी, डायबिटीज घट नहीं रहा। जी, क्या उम्र है डायबिटिक मरीज की? 53 साल। अच्छा, देखिए यही परेशानी है डायबिटीज में कि हम जो दवा खाते हैं जो फ़ायदा करती है वही फिर कम फ़ायदा करना शुरू कर देती है। इसलिए डायबिटिक मरीज़ के लिए 5 बार गर्म पानी, खूब गर्म पानी पिएं, 1 घंटा धूप में पैदल चलें, और भोजन जितना करते हैं उससे आधा करें, जैसे 4 रोटी खाते 2 रोटी खाएं, फिर 3 घंटे बाद चाहे वो 2 रोटी भी खा लें जो आपके भोजन में छोड़ दी गई है, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। और जैतून का सिरका आता है, एक जैतून का सिरका, ये 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम खाने के बाद और रात के खाने के बाद पानी में मिला कर लिया करें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर चित्तौड़गढ़ से हैं देवी सिंह, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। जी जी यादव। हाँ साहब नमस्कार। जी आदाब, जय हिंद, बताइए भाई। मेरे को दिन में घंटा 2 घंटा में पैसा बहुत ज्यादा आता है, तो कम से कम 5-6 घंटे में एक दफा आए तो इसकी कोई दवा बताएं आप। आयु कितनी है आपकी? मेरी आयु है 75-76 के करीब। ठीक है, लिख लीजिए आप नुस्खा। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा कम सुनते होंगे, कम सुनने वाला बहुत ज़ोर से बोलता है। ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं ज़ोर से बोलता हूँ, आप हल्के से लिख लीजिए। लाजवंती के बीज 100 ग्राम, और रसवंती एक दवा आती है वो 100 ग्राम, कत्था सफ़ेद 50 ग्राम, और गौन मोरिंगा सफ़ेद 50 ग्राम। याद रखें, गौन मोरिंगा सफ़ेद लेना है, असली लेना है, इनको पाउडर बना के एक काबली चने के बराबर गोली, एक चना तो देसी होता है पतला सा, एक काबली चना होता है, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें, और 2-3 टाइम खाने के बाद आप लिया करें पानी के साथ, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है नीता कुमारी राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी नीता जी, सवाल क्या है? मैम मेरा सवाल तो यही है कि मेरे ना पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेरे चेहरे में पूरा ब्लैक ब्लैक ही हो गया, सही नहीं हो रहा वो। उम्र क्या है आपकी? उम्र तो 21 साल हो रही है। ठीक है, देखिए ये तकलीफ होती है बच्चियों को, बच्चों को भी होती है, और ये 14 से 22 साल तक ज़्यादा परेशानी होती है। जिन लोगों को भी परेशानी है
वो समझ लें कि एक चीज़ आती है सफ़ेद गौन मोरिंगा, सफ़ेद गौन मोरिंगा, इसमें कई कलर के लोग देते, कोई लाल वाला देता है, कोई पीला वाला देता है, वो गौन मोरिंगा नहीं होते। सफ़ेद गौन मोरिंगा लें, थोड़ा सा 100-200 ग्राम ख़रीद लें और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के रोज़ाना पी लिया करें। एक बार भी ले सकते हैं, बहुत परेशानी है तो दो बार भी ले सकते हैं, लेकिन आधा ग्राम ही लें और एक या दो बार लें तो आपकी ये समस्या और चेहरे का पर स्याही कालापन और मुहासे, आपकी ग्रोथ, बालों की ग्रोथ के लिए अच्छी दवा मानी जाती है। जी, मेरठ से नेक्स्ट कॉलर हैं विमला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मुझे बहुत परेशानी है। हाँ बताइए। एक तो मेरे आगे सिर में दर्द है, एक दो मिनट के लिए होता है फिर बंद हो जाता है वो, और आगे कमर में जहाँ पर गुर्दा होता है सीधे हाथ की तरफ। नमस्ते। ठीक है ठीक है, गुर्दे में। हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप टीवी का प्लीज वॉल्यूम कम कर दीजिए, ऐसे क्या है, समय की बर्बादी होगी। आप पूरी बात कर लीजिए अपनी। और जी हाथ पैर भी सुन हो जाते हैं। और पैटी स्वर भी बताया था मैंने, दो साल पहले टेस्ट कराया था और सुबह शाम चलना। आयु कितनी है आपकी जी? कम कर रखा जी मैंने तो। हेलो। हाँ, आपकी आयु कितनी है? बाकी बातें हम तक पहुंच गई। 64। ठीक है। एलोवेरा का सिरका लीजिए, सिरका एलोवेरा, और 3 चम्मच पानी में डालें और उसमें 1 चुटकी नमक डालें, सॉरी खाने का सोडा डालें और मिक्स करके पी लिया करें दिन में एक बार। आपकी ये तीनों परेशानियां ठीक होना मुमकिन है। और एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ऐसे बैठ के रोज़ाना ऐसे ऐसे करते रहें तकरीबन 3 मिनट, एक साथ नहीं कर सकते तो एक एक थोड़ा थोड़ा करके कर लें। और एक ये एक ये एक्सरसाइज ये 3 मिनट करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से, केसेन हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, आप सवाल करिए। हाँ जी, ये मुझे पैरों में स्वेलिंग आती है। हाँ। और बार बार पेशाब आता है रात के टाइम में 3-4-5 बार। हाँ। ये प्रॉब्लम है, मैं इसका ट्रीटमेंट भी ले रहा, डॉक्टर ने बोला कि जो 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 ब्लड की जो सर्कुलेशन है। हाँ। वो कम हो गई है और किडनी में कोई प्रॉब्लम, तो इस करके जो है ना वो पैरों में स्वेलिंग आ गई, तो अभी तो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में ले रहा हूँ। उन्होंने कहा हार्ट और किडनी और ये, उन्होंने ये आपको प्रॉब्लम बताई थी। ठीक है। देखिए, जिसके भी पैरों पे और मुंह पे स्वेलिंग आए उसको किडनी का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, बार बार पेशाब आए तब भी कराना चाहिए, और डॉक्टर की दवा भी लेना चाहें तो लें आप। और जैतून का सिरका आता है, एक जैतून का सिरका 3 चम्मच रोज़ाना पानी में मिला के आप पी लिया करें एक बार या दो बार खाने के बाद, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, कानपुर से आशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी। नमस्ते मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। बात कीजिए जी। आशा जी, जय हिंद, बताइए क्या सवाल है आपका। जी बताइए आशा जी, बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। आदब। डॉक्टर साहब, हमारे चेहरे में बाहर निकल आए हैं, चेहरे पे। हेलो। जी जी, मैं समझ गया, और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, एक चेहरे बाहर निकल आ रही थी, दवा चाहिए थी।
चलिए हार्मोन्स टेस्ट करा लें, अगर हार्मोन्स बने हुए बढ़े हुए हैं तो या डिस्टर्ब हैं तो ये बाल निकलेंगे, तो हार्मोन्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है। आप फौरन ये टेस्ट करा के फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकते हैं, आपके लिए कोई मजबूत मदद की जाएगी।